والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل اور میں آج مجلس اسلح تنظیم کے اس انسان نشست میں میں مجلس اسلح تنظیم کے عہدیداران کی طرف سے ہمارے مجلس اسلح تنظیم کے سیاسی پینل کی طرف سے مجلس اسلح تنظیم کی انسانوں کی طرف سے ہمارے مرکزی اداروں اور اداروں کے ذمہ داروں کی طرف سے ہمارے مرکزی اداروں کی طرف سے اور مختلف وارڈوں کی جماعتوں کے جو ذمہ دار یہاں پر تشریف لائے ہیں ان کی طرف سے اور ان مساجد کی طرف سے میں ہمارے ان تمام نامنتخب کونسلرز کا جس میں ہمارے مرتبہ شامل ہیں میں آپ کو تہنیت پیش کرتا ہوں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس امید اور یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ آپ کا انتخاب نہ صرف بھٹکل میونسپلٹی کے لیے بھٹکل میونسپل کونسل کے لیے بلکہ اس پورے بھٹکل کے لیے اس کی تعمیر اور ترقی اور ڈیولپمنٹ کے لیے انشاءاللہ سنو انشاءاللہ ایک سنگ مل ثابت ہوگا نائب صدر تو ہم جناب عبد الرحمان منیری کی طرف سے جناب محی الدین الطاف صاحب پروری کو شال اور گلایا نے تجویز کی اس کے بعد مولوی عبدالعلیم قاسمی کے ہاتھوں جناب محمد عظیم محتشم صاحب کی گلپوشی کی جائے گی ماشاء اللہ ہم کیا صاحب کے ساتھ
सभा से मुकदमा की बात आए कमिश्नर साहब से तभी थे बट क्या करते हैं बात आए चले गए अरे मरकजी शरीफा जमात मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी जनाब सादा मीरा साहब फैयाद मीरा साहब की खुशी है इसके बाद इंशाअल्लाह जमातुल मुस्लिमीन की तरफ से जनाब यज़दे हाशिम साहेब नायब अब्दुल रऊफ साहेब की मनपोशी और जनाब यज़दे हाशिम साहब नायब अब्दुल रऊफ साहेब अंजुमन के तरफ से जनाब आमिरुद्दीन कोला साहेब जनाब इस्माइल इरशाद साहेब की गुलपोशी और शाह पेश करें कोला साहेब माशाल्लाह जवान कौंसलर उबलता उबलता वो करता इंशाल्लाह अभी इसके बाद जो है फातिह की खिदमत में शाल और सदर मोहतरम अहदेदारान तंजीम अराकीन इंतजामिया मरकजी जमातों के जिम्मेदारान नौ मुंतखब काउंसलर और जमातों के जिम्मेदारान और मोहतदाजरी बड़ी खुशी का मौका है कि आज काउंसलर नौ मुंतखब काउंसलर की तहनीत हो रही है। हम सब काउंसलर इस पर अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाए कि अल्लाह ताला ने हमको इंसानियत की खिदमत के लिए मुंतखब किया है या सबसे एक इनाम समझे और अज़्म करें कि हम इंशाल्लाह पूरी ईमानदारी के साथ इंसानियत की खिदमत करेंगे और अल्लाह को राजी करने के लिए हम काम करेंगे। रहा सवाल म्युनिसिपैलिटी में काउंसलर मुंतखब होने का, बहुत कम लोगों को इसका एहसास है। मैं थोड़ी तारीफ कहता चलूं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस्लाम ने तंजीम कायम की और जिस तरह से समाजी खिदमत भटकल में हो रही है और तकरीबन 50-60 सालों से या उससे पहले से जब से भटकल में म्युनिसिपैलिटी कायम है तब से आज तक म्युनिसिपल काउंसिल मुंतखब करने का काम तंजीम करते आ रही है और फिर सदर और नायब सदर और स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भी तंजीम मुंतखब करके उनके ऊपर निगरानी करते आ रही है। ये एक काउंसलर मुंतखब होना कोई बात नहीं है। दूसरी जगहों पर काउंसलर मुंतखब होते हैं उनको इतना पापड़ बेलना पड़ता है और एक एक वोटों के लिए कोशिश करनी पड़ती है। भटकल में ऐसी सारी बातें नहीं है, आराम से घर बैठे काउंसलर भी मुंतखब होके आ रहे हैं, लेकिन उनको एहसास होना चाहिए कि तंजीम की बदौलत और हमारे अस्ताफ की बदौलत ये चीजें सब हो रही है। और हम जब काउंसलर मुंतखब होने के बाद हमारे ऊपर सब जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अभी तो हमारी तो ऑफिशियली जीबी मीटिंग नहीं हुई, लेकिन हम लोगों को फिर इंतजार नहीं करना चाहिए कि हमारी जीबी मीटिंग नहीं हुई है, हमारे सदर और नायब सदर मुंतखब अभी नहीं हुए, लेकिन जब हम जीत गए और हमारे को हमको जो तहसीलदार की तरफ से सर्टिफिकेट मिला तो हमारा काम शुरू हो गया। हमको चाहिए कि हम रोजाना या दो दिन में एक बार
जाकर म्युनिसिपैलिटी में अपने इलाके के मसाइल जो छोटे मोटे मसाइल रहते हैं बड़े बड़े मसाइल रहते हैं मुतालिका ऑफिसरों के सामने पेश करें चीफ ऑफिसर के सामने पेश करें। अभी जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है एसी के अंडर एसी के सामने अपने बात ले जाके रखे। मैं ये कहूँगा कि ये जो बट्टल ताल्लुक है जो टाउन में 75% मुस्लिम आबादी है और जो म्युनिसिपल जो हमारे मुसलमानों के हाथों में है हम लोगों को चाहिए कि हम हमारे लोगों को जितना हो सके उतना कोशिश करके जो सहूलतें हो उनको हम देने की कोशिश करें। हमको चाहिए कि जो छोटे मोटे मसाइल लेते हैं बर्थ सर्टिफिकेट का मसला यूजीडी का मसला पानी का मसला कचरों की सफाई का मसला नालियों की सफाई का मसला ऐसे बहुत सारे मसाइल लेते हैं घर का टैक्स का मसला घर का घर बांधने के लिए परमिशन का मसला ऐसे बहुत सारे मसाइल रहते हैं लेकिन हम जब जाएंगे म्युनिसिपैलिटी में तो हमारा अफिसरान हमको हर जगह कानूनी पहलू दिखाते हैं लेकिन हमको उनके साथ बात जगहों बात वक्त पर तरवी के साथ और मसलहत के साथ पे जाते हुए हमारे काम को आगे निकालने की कोशिश करनी चाहिए और फिर कुछ मुश्किल हो तो कानूनी जरिए से भी उनकी रहनुमाई करते हुए हमारे काम को आगे बढ़ना चाहिए। मैं इस मौके पर और ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा यही बात करते हुए सब काउंसिलों को भी अपने अपने ख्याल पेश करना है। अभी जो हमारे म्युनिसिपैलिटी का इलेक्शन हुआ पूरा एक महीना हो गया ये जो इलेक्शन हुआ था पूरी रियासत में 25% इलेक्शन था इससे तकरीबन 10 माह पहले 75% इलेक्शन हो चुका है म्युनिसिपैलिटी का जो बचा हुआ 25% था वो एक महीने पहले हुआ। जो पहले 10 महीने पहले जो इंतखाबात हुए थे उसमें से तकरीबन 30 म्युनिसिपैलिटी के लोगों ने कुछ कोर्ट में रिट पिटीशन किया है जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए कैटेगरी किया है उसके खिलाफ रिट पिटीशन किया है उस सिलसिले में कोर्ट में केस चल रहा है। उस सिलसिले में 10 मार्च से जिस जगह 10 महीने पहले इलेक्शन हुआ था तब तक अभी तक सदर या नायब सदर का होता नहीं दिया गया है। इसी के साथ ये भी अब काम का वादा तो आपका है ही है इंशाल्लाह कर लेंगे सब लोग उम्मीद है बाकी अब तक बैठक नहीं बैठी ये भी हमारी एक आजमाई वरना इंतखाब होते दूसरे दिन पहले हफ्ते में हो जाता था इसका क्या मतलब हमारी समझ में नहीं आ रहा। हर जगह सियासत चलकर बहरहाल हमारा वक्त है जहाँ मुसलमान ज्यादा जमा हो जाते हैं इसी मुस्लिम ताकत की तरह अल्लाह ताला जो काम हमसे लेना चाहेगा वो लेगा जो लेकिन आप जब अज्म के साथ आए हुए हैं तो समझता हूँ उम्मीद है आप हजरात से छोटा हो बड़ा काम पर हर एक काम की मदद करे बड़ा हो तो करेंगे छोटा तो वो कर लेगा ऐसी बात ना। तो दूसरी बात ये मेरे समझ में आ रही है कि हम मुंतखब अदरात जो हैं अपने मोहल्ले की नस्बत से या अपनी इलाके की नस्बत से जो खिदमत उनसे हो सकती है वो करने की कोशिश करें हमारे यहाँ वो माहौल कम है। और दूसरी एक मैं समझता हूँ हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है अधिकतर सरकारी तौर पर जो अमला है जैसे चीफ ऑफिसर है प्रिंसिपल साहब सैनिटरी इंस्पेक्टर है तो इंजीनियर है फिर और दूसरे भी तालबा के जिम्मेदार हैं उनका हक बनता है हम लोग उनसे काम लेने वाले नहीं है बल्कि अपने काउंसिलों को भगाते हैं ये तरीका नहीं होना चाहिए काउंसिलों का काम है कि उनको भगाए अब वो कहीं उनके कचावाड़ी के पास उनका जरूरत नहीं है हाँ के बाद हम तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए बल्कि बाद काम के लिए उनका मकान है कि वहाँ म्युनिसिपैलिटी से वो लोग भेज दें फलाने काम में मेरा असल मैं समझता हूँ वो इसका चीफ ऑफिसर की एक्टिविटीज में आता हो उसको हम थोड़ा बराबर पकड़ लेंगे अब हमारे यहाँ माहौल नहीं है चीफ ऑफिसर मिलने का उसे में झगड़े में नहीं करना चाहिए अब खुद समझते हैं हमारे अब शिकायत है कोई आज नहीं करना हम पर काम होना चाहिए अपने वार्ड से जो हमारा भी शायद परवेज साहब हैं 2 नंबर का अमेजी रोड वाले हैं अब वो शिकायत करेंगे तो उल्टा हो जाएगा अब उनकी जगह कोई दूसरे काम आता है तो मोहल्ला सफाई हो जाता अब हमारे महीने 1.5 महीने से है वो खिलाफ पड़ा हुआ अरे उठाया वापस जा रहा हो जैसे नाली उठाई हुई है ना वापस जाएगा अब उसकी तरफ आप मुख्तसर कोशिश करा आपको लेकिन हमारी जो तारीख है तंजीम की तरफ से म्युनिसिपल की तरफ से आप बता रहे जैसे कि हमारे अलताफ साहब मैं समझता हूँ हाजी सिद्दीक के जमाने से ये निजाम चल रहा सन 28 से या उससे आगे म्युनिसिपालिटी सन 28 का वाक्य हम लोग सुना रहे थे तथा लोग जो है ब्रिटिश के जो जिम्मेदार रहते थे उस वक्त उनके फंक्शन में मगरिब का अजान का वक्त हो गया हजरत उठ के चले गए नमाज के लेकिन मीटिंग फाड़ गई अब क्या शांति तब तो मैं देने वो सब ऐसी बातें हैं सोशल है क्रिमिनल है क्या कहते बोलते हैं सेकुलर है तो ये कोई बात नहीं ईमान के लिए सकल की बातें नहीं होती आप अपना पद अदा कर दीजिए आपकी जिम्मेदारी
अभी बात छोटी लगती है, उस जमाने की बात हम सुन रहे थे, बड़ों से सुना है स्थिति का वाक्य जो है पैसे बैठे रहा जब तक वापस ना। तो ये हमारी अपनी ईमानी शान है, आप लोग जैसे माशाला ईमानी तकाजे पूरा करने अपनी नमाजों की अपनी पाबंदी करने वाले हैं, ये सब अपना आज रहना चाहिए। अब मस्जिदों के इंतजाम के लिए पुलिस वाला क्या लगाओ, करते हो कैमरा लगाओ, किसका ऑर्डर है? और बाकी काम के लिए जैसे भी अरे टैक्स के लिए हम जाते तो वहां भरो यहाँ भरो तीन चक्कर काटना पड़ता, फिर हमारे गटर सफाई जल गाड़ी चले तो उसको चैलेंज भरो प्लेज भरो कितना काम देते हैं, लेकिन उनका भी हक बनता है। तो खैर में आप लोग उसका मुताला करें, जैसे इसका एडमिनिस्ट्रेशन रहता है बाई लॉस है अपना अंडर में एसी के साथ रहता है, तो ये सब अपने फायदे की बात है। आप लोग पढ़ लें, मालूम कर लो, बाकी जितनी जब तक तंजीम की तरफ से उनके काबू होता है वो माशाल्लाह करते ही है, लेकिन हमारे आपसी अखिलाफत को कहीं बढ़ावा नहीं है, कोई नहीं कोई बात छोटी की बातों के लिए आपसी अखिलाफत कोई बढ़ावा न दे, आपके रहा जात पर कोई आ जाए या वो हो ऐसी बात नहीं। मैं समझता हूँ इंशाल्लाह हमारे जैसे नौ मतलब हजरात तो उससे पहले ही काम हमारा अच्छा अंदाज से चल रहा है, बाकी कुछ कमों में अभी भगवान का मौसम आएगा उसके लिए कुछ कपड़ा अपड़ा करने वाले रहते हैं। हर जगह हम देखते हैं यहाँ जब भी नया तहसीलदार आता था दूसरे दो सेक्टर का रिपोर्ट देता था ऐसा करो ऐसा करो, हर नया आने वाला पुरानी तारीख अब पूछेंगे, हर नया वाला तहसीलदार आता था यही शिकायत करता था पहले आते तब उनके चक्कर में ये सब बातें। हाँ अगर हम लोग इस तरह से करना चाहिए सफाई का माहौल की सब जिम्मेदारी हमारे खुद है। अब पानी के लिए जो कोशिश हमारे नौजवान लोग किए हैं बुरा म्यूनसिपालिटी का भी हक बनता था, अगर वो काम काम नहीं थे तो सुबह नहीं टाइम जैन किसी का जाने और हमारा डेट की तो शिकायत करे तब भी साफ सफाई का होना चाहिए। फिलहाल मैं समझता हूँ कि कमेटी न बने तक क्या करेंगे आप लोग, अब उनके मशुरा करें कमेटी न बने तक क्या करेंगे ऐसे रहेंगे। मैं सबसे पहले तमाम म्यूनसिपल काउंसिलों को मुबारकबाद देता हूँ कि वो अलर्ट हो गया है और कौम का भटकों के एरिए की खिदमत करने का उनको मौका मिला, इंशाल्लाह उसका फ़ायदा उठाते हुए इंशाल्लाह खिदमत करेंगे। फिलहाल हम लोग भी उस फील्ड में थे, आप इतने दिन आजाद थे आपको कोई पूछने वाला नहीं था, अभी आप काउंसिलर बन गए आपको चार आदमी पूछेंगे चार आदमी पकड़ेंगे काम बोलेंगे, थोड़ा बर्दाश्त भी करना पड़ेगा। हम लोग को थोड़ा छुट्टी हुई है मगर हम लोग बहुत बर्दाश्त कर चुके थे पहले, आपको भी मैं कह रहा हूँ थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये हमारे लोग क्या है कुछ नहीं देखते काम के लिए, कुछ मस्जिद भी नहीं देखते शादी घर भी नहीं देखते काम वाले वहां पकड़ते, थोड़ा इसमें से जाइएगा इंशाल्लाह सब बराबर हो जाएगा। बरहाल तो काम करने की नियत से हम आएंगे इंशाल्लाह काम करेंगे, उसको डरने को कोई बात नहीं, तो मोहब्बत से समझाओ और मोहब्बत से बोलो और काम करके दिखाओ, काम करेंगे ना तो आप लोग डेवलप हो जाएंगे इंशाल्लाह, बहुत काम करने का मौका है इसमें। अभी से मैं आपको काउंसलरों को एक बात कहूंगा अपने अपने एरिया में क्या क्या काम करना, एक्शन प्लान बोलते उसको क्या क्या फ्यूचर करना, आज के बाद कोई फंड नहीं आता है, अगर आप अपने एरिया में काउंसलर रोड मारेंगे तो उसको मालूम पड़ेगा ये रोड बराबर नहीं है, ये गटर नहीं है, ये गटर बराबर नहीं है, पानी का नाला बराबर नहीं है, ये करना चाहिए वो करना, अपने अपने क्या करना उसको एक्शन प्लान करके अपने दिमाग में रखो, तो उसको कोई फंड आएगा जब भी आपको अध्यक्ष और अपनी मीटिंग में रहेंगे बात तब आप उसको अपना अपना प्रपोजल दे दो। आप ये नहीं कि चुप बैठो वहां जाके बैठना आराम से मुंडे हिलाने का ऐसा कुछ होगा मत करो। अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत खुशी मिली है लेडीज भी बहुत बड़ी तादाद से यहाँ पे और तकरीबन सभी ग्रेजुएट है, यह बहुत खुशी का मौका है और बहुत सब जानकारी लोग अभी जैसे कनाडा पूरा कनाडा इंग्लिश ऑलमोस्ट पूरा स्टडी है पूरे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी की बात है, सबका बायोडाटा हमने देखा यहाँ पे और बहुत खुशी भी और अल्हम्दुलिल्लाह लेडीज भी और हमारे जेंट्स काउंसिलर्स भी तो तजुर्बा का काउंसिलर भी हमारे पास है, 80% हमारे प्रवेश साहब है, हमारे अल्ताफ भाई हमारे रोल भाई चार पांच साल से गंभीर सब काउंसिलर हो रहे हैं, इनका सब आप फायदा ले लो वो आपके साथ में है और उनके पीछे हम भी रहेंगे, ऐसी बात नहीं कि आप चलो मैं हम भी रहेंगे हम पीछे हम तंदीम के साथ आपके साथ कभी भी रहेंगे तंदीम की तरफ से हम आपके साथ रहेंगे इंशाल्लाह। आपको अल्लाह ताला मौका दिया है उसको गनीमत समझो और काम करो, इसमें गवर्नमेंट से भी आपको ट्रेनिंग का मौका मिलता है, कभी मसूर जाने का मौका मिलता है, कभी बीजापुर जाने का मौका, कभी कारवा ये कभी गवाओ मत, आप दो दो तीन तीन दिन का परेड रहते हैं जाना आना खर्चा खाना पीना रहना उधर सब रहता है, ये आपको तरबियत देते हैं लोग आपको स्टडी करते हैं, वो बड़े बड़े ऑफिसर को आईएएस ऑफिसर को लाके उधर आपको कोचिंग देते हैं कैसा करना चाहिए मीटिंग कैसे हैंडल करना चाहिए एजेंडा बोला था क्या मिनट्स क्या ठहराव क्या ये सब बातें उसके सामने आती है, आपको वहां पर खड़े रहकर कुछ बोलने का मौका देते हैं, आपको जागृत
करते हैं और आप इसमें जो मीटिंग आपको काम नहीं है दो दो दिन का तीन दिन का जो कैंप रहता है मैसूर में रहता है या धारवाड़ में किधर भी आपको ऑर्डर आएगा उसको आप कमाए नहीं। आप मेहरबानी करके वो मीटिंग को अटेंड करो, अपने शोहर को अपने भाई को साथ में लेके जाए, हमारे काउंसिलर में रहेंगे और वैसे मौका का फायदा उठाए क्योंकि गवर्नमेंट उसके पीछे खर्चा करती है। बड़े बड़े IAS ऑफिसर IPS ऑफिसर को आपके सामने लगा खड़ा करते हैं, आपको बोलने लगाते हैं, आपको सभी ट्रेनिंग देते हैं जस्ट लाइक ट्रेनिंग स्कूल हो, वो आपको तरबियत देते हैं। उसको हमको भी कुछ मालूम नहीं था, पहले हम भी काउंसिलर हुए बाद में अध्यक्ष हुए, हमको भी मैसूर जाना मौका मिला, पुणे जाना मौका मिला, हमारे प्रदेश के साथ पुणे में गए थे हम लोग, चार दिन कंटिन्यू थे वहाँ, कहाँ कहाँ जाना मौका मिलता है, काम दिखाते हैं, देखो काम देखो, ये कचरा का मामला कैसा, कचरे का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट वो गटर यूटिलिटी का अंडर ड्रेनेज का, ये सब को देखने का मौका मिलता है। ये क्यों दिखाते हैं अपने गाँव में जाके करने के लिए, ये सब देखने के बाद अपने गाँव में अपने मोहल्ले में क्या करना वो प्लान आपको करना पड़ेगा। गवर्नमेंट से अलहमदुल्ला बहुत कुछ फंड आता है, उसको इंशाल्लाह सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो मसला हल हो जाएगा, आपके पीछे हम रहेंगे इंशाल्लाह, आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मेरे बात कर मैं और एक बात सबको मोहरबत देते मेरे बात को खत्म करता हूँ, वास्तु दावन निर्देश कर रहे हैं, मुबारकबाद पेश कर रहे हैं, इसके लिए मैं इस वक्त तंजीम का सबसे शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसे कि मेरे साथी ने बताया काउंसिलर क्या होता है, हमसे ज्यादा बाहर वालों को देखकर आप समझे, क्योंकि हमें तो तंजीम पहले आपका नॉमिनेशन फाइल कर दो अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद और हम घर बैठे बैठे काउंसिलर बन गए। दरअसल काउंसिलर के लिए कितनी मेहनत और मशक्कत करनी पड़ती है ये वो जानता है जो करता है, बच्चन में जो करता है वो लिमिटेड है, बहुत कम है, तो इसके लिए भी तंजीम ही जिम्मेदार है कि हमारी पूरी जवाबदारी तंजीम अपने सर लेते हुए हमें जिम्मेदारी देती है। अब हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम तंजीम के माध्यम रहकर अपने हकूक को बनाए के लिए कैसे इस्तेमाल करें। अब रहा मसला काउंसलर्स का और ऑफिसरों, मेरी ये राय है कि काउंसलर सबसे पहले अपने हुदूद अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी की जिम्मेदारी क्या कानून की तरफ से दी गई है वो कम से कम बेसिक जो उनसे नॉलेज है वो हासिल करें, मेरी उनसे दरखास्त है, क्योंकि म्यूनिसिपल एक्ट में म्यूनिसिपल मैनुअल में उनको इतनी लिमिटेशन दी गई है, अगर उसको हटके करना है तो जरा संभल के करें, ऐसा ना हो कोई उसको हटके किया, कानून अपने हाथ में लेकर किसी ऑफिसर के पास पेश आया फिर दूसरे तरीके से कुछ हो गया, जैसे आपके साथ कल MLA भी वैसे ही हैं, आज सुबह एक MLA जेल से बाहर आ गया है, इस तरीके से मौके से बचें और अपने हुदूद जो बस है, मेरे काउंसिलर की जिम्मेदारी क्या है, मेरे वाइस बनने के बाद मेरी जिम्मेदारी क्या है, प्रश्न बनने के बाद मेरी उसका पूरा ख्याल करें, पूरा इस्तेमाल भी करें और उसके हुदूद में रहते हुए अपने एरिए में अपने गांव में जो कौन सा आपने म्यूनिसिपल लिमिट में इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करें। साथ ही साथ म्यूनिसिपल ऑफिसरों से जो कौन से कोटाइयां होती हैं काम नहीं होता है, जो मैंने दूसरे जिम्मेदारों ने भी कहा, मौलाना साहब ने भी कहा, अल्लाह ने भी कहा, उनसे नजर रखें कि वो कहां क्यों करते हैं और उनको वहीं पर दबाकर उसको अपने कंट्रोल में कर लें और इसी ग्रुप को गलती करने न दें तो वो आपको गुलाम बन जाएगा, वरना वो आपको खा जाएगा, इससे पहले जो वो हमें खा जाए हम उनको ऐसा पिंजरे में रखें कि वो आपको देखने करना चाहिए और सही तरीके से काम करना चाहिए, क्योंकि उसका जो कौन सा नेगेटिव पॉइंट हमारे पास रहेगा तो हम उस सही काम करवा सकते हैं। और उसको काउंसिलर के बहुत सारी जिम्मेदारियां वक्तन वक्तन नए काउंसिलर जो है वो हासिल करेंगे इंशाल्लाह। अब रही बात जो बोलते हैं हमारी बॉडी बैठने की, तो क्योंकि मसला कोर्ट में अटका हुआ है, कब तक होगा पता नहीं, शायद हफ्ता भी लग गया है, छह महीना भी लग गया है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी और जिम्मेदार सामान जो काम करेंगे म्यूनसिपाली जो काम करते सिलसिला जो समझो थे जो 75 आम अल्ताब साहब ने कॉग्रेस साहब हमें सागल चांगला तिथे जाने का धोरण काही मतलब नाही। ते सामान पहिला तंजिमेचो शुक्रवार सामान पहिला होतो तो शुक्रवार करता ते मागे माझ्या परत थोडा विजय करा माका वापस हिंगा म्युनिसिपल पोलीस जीवन म्हणलं ते आणि मी ते मग तंजिमेचो शुक्रवार वडे ते कोणती तंजिमेसारखी रिझर्व केली सीट 16 नंबर वाडा बघून
ते आमचे म्हणजे वाड्याचे अवमले ससात करून ते म्हणजे तिका सिद्धी सिटी पर आलम दिला म्हाका तेन्ना हिंगा म्युनिसिपाली वचपो मौका दिले आणि म्हजे वाडाची ते म्हणजे जुमला मसाजीद आहे ते म्हणजे 5 मिनिटाचो म्हाका लागता जामिया मस्जिद खलिफा जामिया मस्जिद फाजिया मस्जिद कुशवा मस्जिद आणि अलवा मस्जिद मैं सावध मिलता है जब मैं आरक्षी ने इंतजामिया में सामने आवाम तो मैं शुक्रगुजार हो रहे अने जब मैं मुझे वाड़ा से जुमला स्पोर्ट सेंटर है जनता को मैं शुक्रिया अदा करता ये तो हमारा विजय ग्रहण का खिदमत तो मौका देगा अने अल्लाह के जाते मुंबई दौड़ा उम्मीद दौड़ा कि अल्हम्दुलिल्लाह जब मुझे काम अगले 5 वर्ष तक अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हासिल जाएगा इंशाल्लाह दया बेहतर इंशाल्लाह मैं काम जाते मल्हाई जाते उम्मीद दौड़ा अने इंशाल्लाह मैं उम्मीद दौड़ा कि तुमसे समाज साथ को मुझे रखो अने जब मैं सही दफ्तर का प्रवेश है तो मुझे दफ्तर को लेकर पंचे बारह दर मुबारकबाद आणि माका आयटी फिटिंगे व्हडली खोशी जाता काय उपरांत म्हणजे पोरणे सारखी म्हणजे हात मिळले परमेश साहेब ही काय काय उपरांत ते जो त्या टायमार प्रेसिडेंट होते मी त्याचे चेअरमॅन होतो ती काय काय उपरांत तो काम करतो जो पण तो स्टाईल आणि जो पण तो तरीका तर आहे आणि ते बदलाव पण हफिजराव पण कोण ते रमान काम करू का ते जो पण ते सांगले आणि येता आले जो पण ते नवे जिम्मेदार कौन्सिलर होते आणि अल्हम्दुलिल्लाह आमची बहिणो होते समूह नवे होते आणि जो पण ते बदलाव पण समूह एज्युकेटेड कुणी अनएज्युकेटेड नाही अल्हम्दुलिल्लाह त्याचे भीतर आमका को त्याचे सरी काम करू को भली अल्हम्दुलिल्लाह दिली भली खुशी मिळतली कोण मी वाटता आणि काका उपरांत त्यांका को जो पण तो आपलो कोण तो वाट गेला तरी तो आमचे तरी नाबिका धरून आमचे तरी फोन करून केतो मशुरा घेऊ शकता दिलची घेरायचो जिम्मेदाराचो आणि सवत मर्कजी जमाताचो समाजो शुक्रिया अदा करता तो आपल्या नावाने मातो खिदमत करूचो मौका दिलो वार्ड नंबर 30 सुकून पंतप्रधान तका दौरो कारण आपल्याला शुक्र आहे जे ते तास साथ मजिला तंजीम सियासी पॅनल आणि आमच्या पोस्या मारला सियासी मिस्त्री जमात देतो मी शुक्र अदा करता हे माका एक आपले फेलिसिटेड काउंटर म्हणून तका केले ते तर मी आता तिसरे मार्च मी काउन्सिल झाले वाटे पहिला वाडा पण झालो होतो तिथे माझा नॉमिनेट झालो आहे तर तिथे माझा मौका दिला ते आता मला की तिथे काय तंबाव चलता की रस्त्या सुटो मात्र जबरदस्त युटिलिटीचा प्रॉब्लेम असतो हिंगा हिंगा हर एका कंप्लेंट बैठे राहत होते पहिला ते काउन्सिलर को काम करते त्यांना आमचे तंजीमी त्याचा सपोर्ट होतो तक बी काका पण आम्ही तंजीम आमका हेच मी बाकी सपोर्ट राम घेत टाकू मी इसी का पहिला द्यायला तू कोणी जाऊ नये मी आता हो दिसा चार्ज घेतला मी घेत आमचे इन्व्हायरमेंट इंजिनियर व्हेंटिलेशन वाडे त्याला विजिट करतो मी का पवलं दिया तो आयुर्व पुरा त्याची जायचा घेऊन ते एस टी बी पंपिंग असायचे आणि त्याची पण तुमचे खराबी होती जसं मी हेड मिनिस्ट्रेशन ए सी इकडे कॉन्ट्रॅक्ट करून घेते मी विजिट करून त्याला मौका दिला वॉर्ड नंबर 4 ते और डिस्प्यूट में मैं नया हूँ और छोटा भी हूँ सबसे और उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह तब लोग तब साथ देंगे जरा तबियत का शुक्रिया।